बॉयकॉट कलर टू, बॉयकॉट कलर टू, हमारे पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो। इसे क्या क्या हो गया, क्यों हमारे साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ है। अबे ये गदर टू वाले ने हमारे साथ धोखा किया, हमें जो पिक्चर के अंदर देखना था हमें तो मिला ही नहीं मिला। हमें अमीषा पटेल पिक्चर में देखनी थी और पिक्चर में अमीषा पटेल है ही नहीं। है, ट्रेलर में सबने देखा है अमीषा पटेल है। अबे पागल है क्या, वो उसकी कोई बड़ी सिस्टर है? हाँ अरे नहीं भाई, अमीषा एक सेकंड, उनकी एज बढ़ गई है अब, वो थोड़ा इसलिए बड़े पागल है क्या, इंस्टाग्राम पे नहीं देखता क्या? उनकी एज नहीं बढ़ी है, वो आज भी वैसी की वैसी है। हाँ अच्छा चल, इंस्टाग्राम है कहो ना प्यारे, तो कितनी पुरानी पिक्चर है, आज भी देख ले सेम टू सेम दिखती है। लेकिन वो है ना फिल्म के अंदर। भाई हमारी शिकायत ये है कि हमें जो पिक्चर के अंदर एक चीज देखनी थी उनकी, हमें वो भी नहीं दिखाई गई। क्या चीज देखनी थी आपको? यही वाली ऐसा करती है वो। हाँ वो तो बहुत अच्छा करती है, बेस्ट करती है वो। हाँ, वो दिखाया नहीं पिक्चर में, कुल 10-15 मिनट में पिक्चर में देखी। चलो इसके तुम 10-20 रुपए काट लो, बाकी पैसे वापस करो भाई हमारे। वापस करो, वापस करो। आप बहुत बड़े फैन है। हम तो बहुत बड़े फैन है भाई। कितने बड़े फैन? चलिए बताओ, मैसेज दे दीजिए ना, आप कितने बड़े फैन होंगे भाई हमारे? तो तू ये मेरी कॉलर ट्यून, मेरी अलार्म टोन, मेरी रिंग टोन, गैस कर क्या है? कहो ना। नहीं और गैस कर, वाइल्ड गैस कर। जा काले। इससे ही सोता हूँ, इससे ही उठता हूँ, इससे ही जगता हूँ मेरे भाई। मेरे लिए मेरे वो है साइटोटोसिन मेरा रिलीज होता है इसको सुन के। धोखा हुआ आपके साथ? बिल्कुल धोखा हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पैसे वापस नहीं मिले मैं जीता किडनैप कर लूंगा। किसका लड़का है? बड़े आदमी का है ना। हाँ। तब तो वापस करने पड़ेंगे। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम। फाइनली हम देख के आ चुके हैं गदर 2 और जितनी हमारी ढेर सारी उम्मीदें थी सरप्राइजिंगली भाई जीते उन पे खरा उतर गया है। फिर भी टू एन एक्सटेंड उतना और उतना निराश नहीं किया है, लेकिन ज्यादा कुछ मसाला फिल्म के अंदर है नहीं। फिल्म ने हमें निराश नहीं किया है। हाँ, निराश नहीं किया फिल्म, क्योंकि उम्मीद नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ये क्या कह रहा भाई, सेम फिल्म ही देख के आया ना मेरे साथ में, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी। रिसेंटली भरा हुआ थिएटर था जिसमें हमने फिल्म देखी और ऑडियंस भी कहीं जाके सेकेंड हाफ में जब सनी देओल को चेक करते हैं, एंड में जाके जब हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद वो हालात जब बने तब कुछ तालियां सीटियां निकली, अदरवाइज लोग भी हमारी तरह इंतजार में ही रह गए कि कब मचेगा गदर, कब मचेगा गदर। नहीं मचेगा, नहीं मचा। बात करते हैं फिल्म के लीड रोल की, तो तारा सिंह का कैरेक्टर प्ले किया सनी देओल ने और वो फिर इस बार भी ट्रक ड्राइवर हैं और इस बार वो एक यूनियन के शायद हेड हो गए हैं। बहुत अमीर ट्रक ड्राइवर हो गए, अमीर ट्रक ड्राइवर हो गए दोस्तों, इतने अमीर ट्रक ड्राइवर हो चुके हैं वो कि 1971 में उनका घर इतना अच्छा है कि मैं बस क्या बताऊं। उनकी वुडन फ्लोरिंग है भाई, उनके लैंप माशाल्लाह शानदार, घर में लैंप, और ऐसे नहीं कि एक जलता है, मूड लाइटिंग है हर कमरे के अंदर। हाँ ऐसे लाइन से लैंप रखे रहते हैं उनके घर में, दीवारों पर बढ़िया लाइटिंग लगी हुई है, पीछे हिमालयन रेंज दिख रही है माउंटेन की, वहाँ पे उनका फार्म हाउस है, मतलब गाड़ी भी है उनके पास भाई, गाड़ी है उनके पास, मतलब ट्रक्स तो है ही उनके पास भाई, मतलब 1971 में शायद ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा था। पापा आपने ट्रक क्यों नहीं चलाया जब आप 60 पैदा हो गए थे उस टाइम पे, तो एज ए चाइल्ड लेबर ही चलाया। यही सवाल करना चाहता हूं, 70s में ट्रक क्यों नहीं चलाया? अमिताभ बच्चन ने सारे काम किए, ट्रक चला लेता तो शायद ऐसे ही अमीर हो जाता, जो बहसबाजियां करनी पड़ती थी। आधा देश अगर ट्रक चलाता तो सोचो आधा देश अमीर, 5 trillion इकोनॉमी आती कब की हो चुकी, इसके बिना बन जाते हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बिना यार। ट्रक चलाने में था सारा पैसा, वो किसी ने चलाया नहीं। कितने लोगों का जो ड्रीम होम है वो तारा सिंह ऐसे है कि हाँ कि मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, इस बात से वो दुखी रहते हैं कि अपने बच्चे को डांटते हैं कि मेरी तरह रह जाएगा वरना, अरे अमीर हो जाएगा वरना, क्या चाहिए, गरीब चाहिए आपको अपना बच्चा। वाइफ उनकी सकीना, उसका कैरेक्टर प्ले किया है एज यूजुअल अमीषा पटेल ने, और भाई उनकी उनकी एजिंग हजम नहीं हुई हमसे, मतलब वो है ना कि एक अपना चाइल्डहुड में देखा उनको यार, वही बात, मतलब हमने उन्हें सकीना के रोल में जब हाँ। देखा था तो, और उसके बाद अब देखा है, मतलब हाँ। वही किरदार करते हुए, तो हाँ हमें तो लग रहा है कि हाँ उनकी एज स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दिख रही है, पर ठीक है कैरेक्टर तो वही प्ले कर रही है वो, और बिल्कुल शिद्दत से प्ले कर रही है। अभी भी उनके फिल्म के अंदर 3 डायलॉग है इसके अलावा, इसको मिला के नहीं नहीं, इसके अलावा 2 वो भी है कि जीते को ले आओ और तारा को ले आओ, जीते से कह रही है तारा को ले आओ, तारा से कह रही है जीते को ले आओ, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। अमीषा पटेल इन द होल फिल्म, इनके अलावा फिल्म के अंदर हैं जीते, उत्कर्ष शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, और उनके पास उनसे मतलब कोई नहीं कह सकता कि हीरो तो ऐसे बनना जैसे उसके बाप की फिल्म हो। हाँ है, उसके बाप की ही फिल्म है भाई, तभी वो हीरो बनना है।
फिल्म देखते हुए तो एहसास हुआ तारा सिंह कहाँ है मेरा। इंतजार में ही हम रह जाते हैं भाई, क्योंकि इस बंदे को हीरो बनना है। जीते क्या है, जीते थे, जीते की जो कैरियर ट्रेजिक्ट्री इस फिल्म में चली है, पापा चाह रहे हैं कि जीते पढ़ ले, जीते को एक्टर बनना है, जीते नाटक वाटक करता है, उसको है बॉलीवुड एक्टर बनना है। उसमें उसको उसमें भी अकल नहीं है ना, उसको बोल रहे हैं कि गाना गा के करना है, वो करना है डायलॉग लेना, तो वो तलवार निकाल लाया। नहीं, जीते ने शायद वो जस्टिफाई किया कि भाई ऐसा नहीं कि मैं खराब एक्टर हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कितना खराब एक्टर हूँ। वो कॉलेज में अपने प्ले वगैरह कर रहे हैं, बड़े खराब कर रहे हैं, और एंड होते होते जीते आर्मी में भर्ती हो जाता है। कैसे होता है भाई वो देखना फिल्म अगर तुमसे देखी जाए तो। जीते की आर्मी में भर्ती मतलब सारे अग्निवीर अपने पर्चे फाड़ देंगे जो भर्ती के उन्होंने खरीदे होंगे, कि जाएगा हाँ, कि ऐसे ऐसे हो रही थी, हम अग्निवीर हो रहे हैं, हाँ हमें दौड़ लगानी पड़े सब। 71 में एक जीता कैसे भर्ती हो गया आर्मी में यार, हद हो गई है। मतलब जीते का बहुत ही स्टूपिडली रिटन कैरेक्टर है, उसने काम ठीक ठाक किया है लेकिन सर राइटिंग में कुछ नहीं है उसके कैरेक्टर की। और भाई जीते के पापा ने जीते को हीरोइन भी ला के दी है, जीते की हीरोइन है सिमरत कौर। सिमरत कौर ने मतलब एकदम क्लीशे बॉलीवुड हीरोइन की फालतू में हंसने वाली, जो लहर लहर के नहीं हंसती भाई। और मैं कह रहा हूँ अगर इतना पैसा है ना, मैं भी इतने अमीर घर में पैदा हो जाऊँ, मैं भी दिन भर ऐसे ही डोलू तो मुझे कोई टेंशन नहीं ना, मुझे पता है मेरे पापा कुर्बान खान तो पापा का नाम केटरर है, मतलब इस तरह केटरर की बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े आयोजनों में मेरे पापा की भी केटरिंग चले तो मैं दिन भर गले में चुन्नी डाल के या अल्लाह भाई। इतना उसने वो किया है ना, मतलब कोई पर्पस नहीं उस लड़की का लाइफ में, सुंदर लड़का देखा नियत फिसल गई उसकी, कोई डेप्थ नहीं उसके कैरेक्टर में, कुछ नहीं बस खुश रहती है वो, कोई कहानी में कोई किरदार नहीं है, रेडी हो जाती है खुश रहती है बस। पाकिस्तान के वो दिखाए गए हैं जो जनरल दिखाए गए, वो तो आपको पता है पोस्ट परमानेंट हो चुकी है बिल्कुल। पठान फिल्म में भी वही थे, सनी देओल अगर पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान का जनरल जिंदा बच जाए तो जीते ही हो सकता है, जिसने गोली खाली कर दियो ऐसा ही कुछ हो सकता है। मतलब सनी देओल पाकिस्तान जाए और जनरल बच जाए, मनीष वाधवा दोस्तों वो वापस से एक बार पाकिस्तान, उनको हो सकता है और 4-5 साल में ऐसा ही पूछने सल्यूट मारने लग जाए, यहाँ उनको शक की नजर से देखा जाए, उनकी दीवार पे गद्दार लिख जाए कोई, सीमा यादव उनसे मदद मांग रही है अब मजा नहीं आ रहा सचिन के साथ में, वो कह रहे हैं क्या मैं क्या मदद कर दूं, मैं एक्टर हूं, हमें सब पता है, हमें सब पता है, दो पिक्चरों से आप ही जनरल चल रहे हो, मुझे सब पता है आपको। गौरव चोपड़ा है वो हिंदुस्तानी आर्मी में मेजर रावत है उनका कैरेक्टर, और वो अपने इधर के वो तारा सिंह से मदद मांगते भाई। और इसके अलावा पिछली फिल्म के कुछ लोग इस बार भी आए हैं, अपने मुश्ताक खान जो पहले भी थे काके, हेल्प करते हैं इनकी, दरमियाने के कैरेक्टर को भी याद दिलाने के लिए कैरेक्टर को रखा गया जो दरमियाने का भतीजा है, दरमियाने जैसी हरकतें करता है, और बहुत छोटे से रखा मतलब, हाँ एक बस सिर्फ याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, क्योंकि दरमियाने हमें यार बहुत पसंद था, हमें याद है वो दरमियाने था भाई सच्चा दोस्त। मतलब भाई गदर 2 का मतलब हिसाब यही है कि इससे इसके देखना गदर आपको और अच्छी लगेगी, वो कितनी बढ़िया फिल्म। अब हम घर जाके गदर देखने वाले, बिल्कुल देखने वाले भाई, यूट्यूब पे पड़ी हुई है गदर, मैं तो गदर फिर से देखूंगा, मैं भी देखूंगा। गदर 2 का सबसे बढ़िया एंटीडोट होता है, क्या होता है एंटीडोट, यही है वॉच गदर अगेन। फिल्म का प्लॉट अगर आपको बताएं तो अब टाइमलाइन थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है, 47 से 71 के राउंड हो चुकी है, जीते हमारे बड़े हो चुके हैं, तारा सिंह हमारे अमीर हो चुके हैं, बहुत पैसा यार, मतलब वो उस टाइम छपती नहीं होगी शायद, या छपती होगी तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में थे तारा सिंह इंडिया, मतलब ऐसे था उसमें कि टाटा बिरला अंबानी तारा सिंह, ऊपर रख रहा हूँ मैं तो तारा सिंह को भाई, तारा सिंह क्योंकि अंबानी तो भी बनने वाले थे 80s में, उनका उदय होना शुरू है, तारा सिंह उस टॉप 10 बिजनेसमैन थे, यहाँ नहीं था यार, लाइट थी यार, मतलब देश में हो सकता है, पहाड़ों में हो सकता है लाइट बाद में पहुंची हो सकता है, इंदिरा गांधी के घर में पावर कट हो जाता उस टाइम पे, तारा सिंह के नॉन स्टॉप पावर, सीधे सारे बल्ब जलेंगे, अरे जितने लगे सब जलने चाहिए, ऐसा था बहुत ही शानदार मतलब लाइफस्टाइल था तारा सिंह, मतलब पहाड़ों पे अगर लाइट गई होगी हाँ। तो एक जो खंबे खींचते गए होंगे तारा सिंह के लिए, बाद में आई है उधर तो नेटवर्क और ये सब बॉर्डर पे, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं दोस्तों, और ऐसे में तारा सिंह की मदद ली जाती है, और कुछ ऐसा होता है उस लड़ाई के दौरान कि जीते को जाना पड़ जाता है पाकिस्तान। अब जीते पाकिस्तान गया है तो फिर आपको पता ही है कलेश तो हो गए दोस्तों, जीते पाकिस्तान जाता वहां फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि सनी देओल को भी जाना पड़ जाता है पाकिस्तान, और उसके बाद और उसके अलावा जो वहां के जनरल हैं वो तारा सिंह का वेट ही कर रहे हैं, पलकों पे तारे बिछाए हैं कि तारा सिंह आए उन्हें बदला लेना है, बदला लेना है क्योंकि वो बेइज्जती करके गया तारा सिंह 40 से वहां के 47 में जवान मार के गया था, उनकी अपनी हिट लिस्ट में है तारा सिंह,
इसके बाद अब ये दोनों हालात के चलते बाप बेटे हैं पाकिस्तान में, इन्हें आना है इंडिया वापस। हमें हर बार लगता है अब पहुंच जाएंगे, फिर पकड़े जाते हैं, फिर लगता है अब पहुंच जाएंगे, फिर पकड़े जाते हैं। इतनी खींच दी गई है ना कहानी, और हम वेट कर रहे हैं कि अब तो सनी देओल कुछ एक्शन दिखाए, अब कुछ भयंकर डायलॉग बाजी करें। वो होते 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 फिल्म बहुत लंबी खिंच जाती है। इतनी जगह तो ऐसा है कि सीन है, अगले ने एक डायलॉग मारा है, कायदे से वो डायलॉग सनी को मारना चाहिए था, लेकिन वही पापा पिक्चर बना रहे तो बेटे को दिया हुआ है, इसको दे दिया हुआ डायलॉग, भारी भरकम डायलॉग जो इधर से आता तो क्या पड़ता। भाई सनी देओल अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर पाए जितना उन्होंने इस डायरेक्टर के बेटे के लिए कर दिया, जीते के लिए कर दिया भाई। ये क्लियरली साफ साफ दिख रहा है ये फिल्म जीते का करियर बनाने के लिए बनाई गई फिल्म है। और वो एक तो बंदे की शक्ल ऐसी भाई, कभी वो मुझे चिराग पासवान लगे, कभी वो देवेकोंडा लगता है, एक बार वो तो वो मेरे को वरुण चक्रवर्ती भी लग रहा है इंडिया का स्पिनर, उसकी दाढ़ी बढ़ गई तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ उसको क्या। और उस मतलब उस नो हिट फॉर हिम, उसने अपनी मेहनत की है, उस लौंडे ने कोशिश की है, सही किया है, लेकिन इनकी कोशिश ईमानदार नहीं है। ये फिल्म सनी देओल की फिल्म है, उसके नाम से जानी जाती है, उसके लिए ही देखने गए। पूरे फर्स्ट हाफ में सनी देओल नहीं है यार, सेकंड हाफ में सिर्फ सनी देओल दिखते हैं, वो भी फिर भागते हुए भागते हैं, और हम जीते चिल्लाते रहे। हम तरसते हैं कि अब सनी देओल को लाइन मिलेगी, अब सनी देओल का एक्शन मिलेगा। वो सब कुछ उठा के उनके बेटे को दे दिया गया है, उस पे नहीं जमता है भाई, उसके लुक पे नहीं जाती है ये चीजें। कोशिश बना दो यार उसके लिए, कुछ और कर लो इसके साथ, गदर के साथ तो ये सब मत करो यार भाई। ये वही होगा कि कभी सनी देओल ने वही तीन वचन दे दिए होंगे, अब ये काका आ गए कि भाई आप पहले याद करो, पहले आपने क्या बोला था कि कहा था ना आपने, अभी ब्याजी हो कुछ भी वापस मांग लियो मेरे से, तुझे कुछ भी चाहिए तो तू मेरे पास आ जाइयो, ये दर दर की ठोकर खाने बात कर, ये दर दर की ठोकर खाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें याद दिला दिया कि ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो अब देखो अब करो वापस। सनी देओल ने डायलॉग पढ़े और बात होंगे, सनी डायलॉग बहुत अच्छा है ना, अच्छा है ना, मैं लूंगा इसको डायलॉग अच्छे से लूंगा। अब जीते बोले, जीते को दे दे। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम का, मतलब मुझे लगता है सनी देओल ने किसी के लिए इतना किया है जितना भाई उन्होंने इस डायरेक्टर का एहसान उतारा। अपनी गदर दे दी यार, मतलब चलो वो गदर अनिल शर्मा की भी थी, थी, थी। लेकिन फिर एक वो सबकी मिलके थी, और वो उससे ज्यादा हमारी थी यार, हमसे हमारी गदर, हमारी गदर सही में वो पूरी इस लौंडे की बना दी गई है। सबका ध्यान इसी पे, कैसे इसे हीरो बना दिया जाए। फर्स्ट हाफ में मतलब तरस जाते हैं भाई हम सनी देओल को देख ले, नहीं है सनी देओल दिख ही नहीं रहा। और सेकंड में भी पूरी कोशिश की गई है कि मेजर एक्शन उससे ही हो जाए, मेजर डायलॉग उससे बुलवा लो, मेजर सीन्स में उसको इंपैक्टफुल दिखा दो। मतलब अमीषा पटेल की तो हम बात भी नहीं कर रहे कि वो नहीं है, सनी देओल नहीं है यार फिल्म के अंदर जितने होने चाहिए थे, पूरा चीटिंग है। ये सिर्फ खराब बात नहीं है, और इतनी कमियां हैं फिल्म के अंदर। पहली फिल्म जानी जाती है भाई अपने एक एक डायलॉग लेजेंडरी थे, हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला जो सीन था, यार हमारे दिमाग में है, हमने तुम्हें 60 करोड़ रुपए दिए तब तुम्हारे साथ में तिरपाल आई, एक एक चीजें दिमाग में ज़हन में बैठी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, सब याद रह जाता है। इस फिल्म से हम निकले कोई लाइन याद नहीं है, एक सिंगल लाइन इम्पैक्टफुल, एक सिंगल सीन जो नहीं है हमारे दिमाग में छपा हो कुछ नहीं। इतना जो ओरिजिनल गाने थे उन्हें भी खराब कर दिए, नए इतने सारे गाने भर दिए फर्स्ट हाफ में, पहले आधे पौने घंटे में 5-6 गाने भर दिए। एक गाना खत्म हो रहा, एक शुरू हो रहा, एक खत्म हो रहा, एक शुरू हो रहा, दो ऐसे गाने बने हैं भाई, इतने गाने भर दिए। मतलब वही मुझे लगता है ओल्ड स्कूल। हाँ मतलब एक तो इन्होंने समझा नहीं कि ये फिल्म अब 2003 में नहीं बना रहे, 2023 में बन रही है। 23 में कैसी फिल्में बन रही है, वैसे ये फिल्म बनी नहीं है। इसका जो पूरा लुक एंड फील है, देख के लगता है पुरानी फिल्म देख रहे हैं। तो उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें, खरंजे ऐसे बिछे हुए टाइलों के जो अब चल रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग रखी है, खरंजे बिछे हुए, अरे खंबे लगे हुए पूरे पूरे गलियों में। जीते एक सीन में ऐसे पढ़ाई करने बैठते हैं, मुझे पता अंदर से क्या लगा, लैपटॉप खोलेगा बिल्कुल, मेरे को किताब उसने इस स्टाइल से खोली कि उसके घर में वो लगे हैं यार, जो लोग अपने घरों में शौकिया तौर पे बाइक वाइक के मिनिएचर रखते हैं, बाइक के मिनिएचर, हमें नहीं पता भाई 1970 में थे कि नहीं, वो उसके यहाँ पीछे शॉपिंग में थे। कहीं फील नहीं होता कि पाकिस्तान दिख रहा है, कहीं नहीं समझ में आता कि विंटेज इंडिया है, लखनऊ में शूट किया है, वो सब दिख रहा है ना, वो आर्मी के अपने एरियाज, वो लगते हैं कि आर्मी के एरियाज हैं, और पाकिस्तान की आर्मी तो इतनी चुतिया दिखाई है, इतनी चुतिया भाई, कुछ तो होगा उनमें भी, 12-15 लोगों पे बंदूक है, और सही उनकी फटकी वो बंदूक नहीं चला पा रहे यार। थोड़ा तो पहले पिछली वाली में ये था कि अशरफ अली का खौफ था भाई, खौफ था भाई, जब सनी देओल उसे मार के आया ना तो लगा किसी को मार के आया है,
अशरफ अली की भी तो कुछ बात थी। सनी देओल का फिर हमें लड़ता लग रहा है, वो जीते से ही पिट रहे हैं। हद हो गई है यार, जीते बॉलीवुड एक्टर है यार, उससे तो मत पिटो यार। सनी देओल का तो चलो रॉक पुराना सॉलिड तगड़ा बंदा है भाई, देसी की। और वही की एक खुले मैदान में लड़ाई हो रही है और टेंट भी लगे हैं बकायदा, लेकिन असला बार उस सब खुलने पड़ा है। आज जीते के हाथ खुले बम उठा ले वो छिलना भी आता था। जीता तुरंत भाई, इस चीज में आया था बम तो ऐसे छीले अमरूद खा रहा हो। इतना मतलब तो इसे ही देख के तो आर्मी में ले लिया। ऑलरेडी एक मिशन कम्प्लीट करके आया बहुत यार। पहली गदर में अच्छी बात यही थी, टक्कर दिखती थी। अमरीश पुरी के घर जब पहली बार जाता है वो पकड़ लेता है, लगता नहीं है बच के आ पाएगा। वो सीन जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं दिया, मतलब इतने सीन में फंसता ऐसे निकल जाता है। मतलब वो लगता है स्क्रिप्ट में से ये लिखा होगा, वो यहाँ पे सनी देओल फंसते हैं और फिर निकल जाते हैं कैसे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसे एकदम एब्रप्टली सीन खत्म हो जाते हैं, एक फेड आता है, सीन खत्म, अगला सीन शुरू। मतलब अरे बताओ तो मुझे कैसे निकल, रैंडमली दो बंदे उनके वहां पे पकड़ते हैं, ये हमारी मदद कर देंगे, ये हमारी मदद कर देंगे। क्यों भाई, किस किस खुशी में मकसद नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। और अभी तो टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ है, मतलब आगे भी करेंगे, कुछ है नहीं गिनाने को हमारे पास। ऐसे सच की सची थी, एक सीन है पूरी फिल्म में मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जीते फंसा हुआ है पाकिस्तान में, बच के भाग रहा है, एक लेडी के घर में घुसता है, उसे खाना खिलाती है, कहती है खाना खा ले कोई बात नहीं, और इसका एहसान उतारने के लिए हिंदुस्तान में किसी पाकिस्तानी की मदद कर दियो। वो भी उसे प्यार से मौसी बुलाता है कि मेरी माँ भी पाकिस्तान की थी, तो आप मेरा ननिहाल है मौसी में। बढ़िया, गुड इमोशनल सीन, बढ़िया। लेकिन उसके अलावा कहीं किसी सीन एक चीज जो हमें फिल्म देख के अच्छी लगती है कि भाई फिल्म में भर भर के गदर के सीन है, गदर वन के सीन है, उनको देख देख के अच्छा लगता है। बनाने वालों को भी पता है भाई कि ज्यादा इस बार कुछ नहीं है, हमें वो फीड करना पड़ेगा। लिटरली सीन्स रिक्रिएट किए हैं। याद है जीते कैसे हेल्प करता है अपने पापा की, छोटा जीते किया है, कोयला डालता है ट्रेन में, टाइम भी यार दिखा दो, पता नहीं लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ऐसा किया, इतना फीड किया। इतने अंडर कॉन्फिडेंट है मेकर्स इस फिल्म के कि उन्होंने विजुअल्स काट काट के लगाए, एंड में आके वो वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिले थे, तो फिर से उन्हें डाला गया सब कुछ। मतलब अरे क्यों, अच्छा तो हमें सिर्फ वही लग रहा था जो पहले पिछला आ रहा था, पोस्ट क्रेडिट में पुराना मैं निकला गड्डी लेके बचता है वो अच्छा लगता है। गाने खराब कर दिए, कोई म्यूजिक ढंग का नहीं है, इतने ओवर दिल दुखा दिया हमारा सच में यार। मतलब तरसे है लोग कि यार कुछ मूवमेंट आए तो ताली सीटी बजाए। एक आध मूवमेंट है वो भी रेडी थे सनी पाजी ने दिए एंड में, एक आध मूवमेंट जब एंग्री सनी पाजी दिखते हैं, और कहीं एक आध जगह रोने के भी दिए। मतलब वही कि सनी देओल ने तो फुल एक्टिंग कर दिया भाई, सनी देओल के लिए आप ये फिल्म देख सकते हो बस। तो इंटरवल के बाद ही जाना अगर सनी देओल को देखने, क्योंकि इंटरवल से पहले वो है ही नहीं। मूड को थोड़ा बहुत इससे अच्छा कर सकते हैं आप, ये लगा के निकलेंगे तेरी गर्ल्स आ गई। अभी तो छिड़का भी नहीं मैंने, गर्ल्स रेडी रहती हैं यार, जोरदार खुशबू है इसकी। आपको भी लगाना है तो यहाँ लिंक होगा, उससे खरीद के आप लगा लें और लगा के गदर देखने से गोली भी निकलती तो मैं, मुझे पता है क्या करना? मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन सबको पता है किसको लगती वो गोली जाके, हमारे निशाने पे कौन होता, किसने सिंगल हैंडेडली फिल्म खराब की है यार, हद हो गई है। तो यही है भाई, वापस से टीवी पर जाके गदर देखो, ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से पुरानी बढ़िया फिल्में देखो, और हमारी इस वीडियो को लाइक ही लाइक करो, शेयर ही शेयर करो, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब करो। अब अगला आएगा मेड इन हेवन का रिव्यू, उसके लिए रेडी रहो।